हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीवी स्कूल। लास्ट टाइम असी रे ऑप्टिक्स के कुछ रे डायग्राम्स किए थे, आज असी उसकी मैग्नीफिकेशन ते उसके न्यूमेरिकल्स करांगे डिस्कस। ठीक, चलो। लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफिकेशन समझने तो पहले एक बेसिक टर्म तुम्हें पता होनी चाहिए है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन की होंगे। ठीक है, अपना रे डायग्राम्स में किया था कि मैग्नीफिकेशन की है, मीनस फॉर एग्जाम्पल साडा कोई ट्री सी, आप एग्जाम्पल दी सी, साडा कोई ट्री सी। ठीक, एक फॉर एग्जाम्पल सी दे पिछे सीगा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इस फॉर्म के ऊपर इसनों ऑब्जेक्ट अज्यूम किया। ठीक है, तो यदि जी इमेज बनी सी वो की बनी सी, कोई भी रे गई पैरल फोकस चो, फोकस चो गई तो पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यदि इमेज कुछ इस तरह बनी सी। ठीक है, हुण आपां पढ़िया सीगा कि अगर ऑब्जेक्ट पिछे गया तो इहदा साइज थोड़ा छोटा बनिया सीगा। ठीक, मतलब कि आपां साइज दे विच कोई इहदे विच डिस्टिंग्विश करना चाहिए कि हाँ इह किन्ने गुणा किन्ने टाइम इह रेशियो विच इनक्रीज़ कीता अपने नूं, उस टर्म नूं आपां कहिंदे मैग्नीफिकेशन। क्लीयर, लीनियर मैग्नीफिकेशन की हो जाएगी। सिमिलरली लीनियर मैग्नीफिकेशन की होगी, दो तरह की मैग्नीफिकेशन पढ़नी तुसीं इस चैप्टर विच, एक होंदी है लीनियर मैग्नीफिकेशन, एक होंदी है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन जब आप लेंसिस पढ़ांगे उस वेले थोड़ा जहा डिस्कस करांगे एंगुलर मैग्नीफिकेशन की होंदी है। ठीक है, लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इन्हों पर कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। ते सिंबल क्या होता है स्मॉल m। क्लियर, लीनियर मैग्नीफिकेशन मीन्स इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज या फिर ऑब्लिक हाइट, साइज या हाइट ऑफ इमेज टू साइज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, रेशियो साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। हुण देखो, इन केस ऑफ मिरर्स, मिरर्स दे केस विच, मिरर दे केस विच की होंदा, मिरर दे केस विच मैग्नीफिकेशन देखो फॉर्मूला की सीगा, पहले सिंपल फॉर्मूला देखो, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, दिस इज कॉल्ड द मिरर फॉर्मूला। ठीक, ये सीगा साडा मिरर फॉर्मूला, याद रखना है अपन लेंस फॉर्मूला करांगे उहदे विच विच माइनस आएगा, वो दसूंगा किहदे विच माइनस आएगा। ठीक है, जब सारिया टर्म्स विच पॉजिटिव आ रहा, सारिया टर्म्स विच पॉजिटिव आ रहा, उस कंडीशन विच की करना है मैग्नीफिकेशन नूं याद रखने लिए, जे इत्थे पॉजिटिव है तो मैग्नीफिकेशन विच नैगेटिव, जे इत्थे विच कितें नैगेटिव आऊगा तो इत्थे की आजूगा पॉजिटिव। क्लियर, हुण देखो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वी इज हाइट, एक है डिस्टेंस, डिस्टेंस है क्या, डिस्टेंस के दा इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय यू की है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप, या फिर इन्हों इस फॉर्म में लिख सकते हैं मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट which is equal to negative of v upon u, एक generalized formula लिख सकते हो इसे। ठीक, फिर तो linear magnification की है, linear magnification तो पहले magnification, magnification means size का increase करना या decrease करना सानू पता चलता है, आप मतलब कि माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप नाल देखते हैं, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का साइज नू इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो देखते हैं। ठीक है, वह की है उही चीज़ नूं आपां कहिंदे मैगनीफाई करना। ठीक है, उहदी आपां रेशियो नूं आपां फाइंड कर सकते कि उह मैगनीफाई किन्ना होया, फॉर एग्जाम्पल इत्थे अगर ट्री दी साइज़ दी वैल्यू सीगी 1 cm, सॉरी 1 m, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है 1 m का। ठीक, तो जिहड़ी इमेज बन रही है, हुण देखो इहदा साइज़ वड्डा है, इहदा साइज़ छोटा होना चाहिए,
ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੇ 0.75 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0.75 ਸੌਰੀ ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਹਾਈਟ ਆਫ ਇਮੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਆਫ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ 0.7 ਤੇ ਹਾਈਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 1 ਮੀਟਰ। ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਅਰ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਹੋਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਟਰਮ, ਇਹਦਾ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਈਟ ਆਫ ਇਮੇਜ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਹਾਈਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਵੀ ਅਪਾਨ ਯੂ, ਵੀ ਇਜ਼ ਆਬਜੈਕਟ ਇਮੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਯੂ ਇਜ਼ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਕਲੀਅਰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕੱਲ, ਉਹੀ ਰੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੀਨੀਅਰ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫੋਰ ਕੋਨਕੇਵ ਮਿਰਰ। ਕੋਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲ ਪੀ, ਫੋਕਸ ਐਫ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਸੀ। ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ ਬਿਓਂਡ ਸੀ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਿਓਂਡ ਸੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੇ ਪੈਰਲਲ ਗਈ, ਠੀਕ, ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟ ਵਿਲ ਪਾਸ ਥਰੂ ਫੋਕਸ। ਦੂਸਰੀ ਰੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਜੋ ਪਾਸ ਕਰਵਾਤੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨੂੰ ਰੀਟਰੇਸ ਕਰੇਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਰੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪੋਲ ਚ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਸ ਆ ਕੇ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ, ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੇਸ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆ, ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਏ ਬੀ। ਕਲੀਅਰ, ਏ ਬੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼। ਕਲੀਅਰ, ਏ ਬੀ ਐਂਡ ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਏ ਬੀ ਪੀ ਐਂਡ ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਪੀ, ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਏ ਬੀ ਪੀ ਐਂਡ ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਪੀ। ਕਲੀਅਰ, ਏ ਬੀ ਪੀ ਐਂਡ ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਪੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਏ ਬੀ ਪੀ ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਪੀ, ਦਿਸ ਅਪੋਨ ਦਿਸ, ਦੈਟ ਇਜ ਏ ਬੀ ਅਪੋਨ ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼। ਕਲੀਅਰ, ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਏ ਪੀ ਅਪੋਨ ਏ ਡੈਸ਼ ਪੀ। ਕਲੀਅਰ, ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਏ ਪੀ ਅਪੋਨ ਏ ਡੈਸ਼ ਪੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਏ ਬੀ ਅਪੋਨ ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਪੀ ਅਪੋਨ ਏ ਡੈਸ਼ ਪੀ। ਇਕੁਏਟ ਦਿਸ, ਚਲੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਏ ਬੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਏ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਯੂ, ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੀ, ਦਿਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਐਫ, ਤੇ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਰ। ਕਲੀਅਰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਏ ਬੀ ਕੀ ਹੈ, ਏ ਬੀ ਏ ਬੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹਾਈਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਐਚ ਓ। ਕਲੀਅਰ, ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹਾਈਟ ਆਫ ਇਮੇਜ। ਕਲੀਅਰ, ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹਾਈਟ ਆਫ ਇਮੇਜ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਈਟ ਆਫ ਇਮੇਜ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਹਾਈਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਵੀ ਅਪੋਨ ਯੂ, ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਵੀ ਅਪੋਨ ਯੂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਏ ਬੀ, ਏ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਏ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਈਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ। ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਹਾਈਟ ਆਫ ਇਮੇਜ, ਠੀਕ। ਏ ਪੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਯੂ ਐਂਡ ਏ ਡੈਸ਼ ਪੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਵੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਸ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋ ਵੀ ਗੈਟ ਹਾਈਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਹਾਈਟ ਆਫ ਇਮੇਜ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ
इक्वल्स टू ए पीस माइनस यू अपॉन माइनस वी। देखो एक टर्म स्किप करती है अपन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है इनो की लवांगे पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज डाउनवर्ड है इनो की लवांगे नेगेटिव, मींस एच आई इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, ए नेगेटिव ना नेगेटिव कट हो गया। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन वी। इनो रीअरेंज कर दो, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी अपॉन यू विच वी कैन से इज इक्वलेंट टू मैग्निफिकेशन। दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। क्लियर, हुन अपा करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर, नेक्स्ट टर्म देख लो, लीनियर मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये भी सेम अपा जो पुराना ग्रे डायग्राम बनाया सीगा उधर ओ भी हेल्प ले सकते हो तुसी। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये बनाता अपा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, इस पॉइंट पे फोकस, इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, फिर तो इस पॉइंट नो पर कहता पी एफ सी, इनो वर्चुअल वाले नो ही अपन कंसीडर कर दें। ठीक है, इनो को हमें स्किप कर दो। ठीक, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट पे है इस पॉइंट पे, ठीक यदि कोई भी रे जाएगी, ठीक है कोई भी रे गई किधरों पास कर दिए लगेगी फोकस। ठीक, कोई भी रे जा रही है क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, एक ही करेगी बाहर ले पास से जाएगी, ठीक है आउटवर्ड डायरेक्शन। दूसरी रे किधरों पास करवानी थी फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट पे एक ही कर दी अपने पाथ नो रिट्रेस। ते तीसरी रे पोल, वैसे इस रे डायग्राम सानू तीन दी लोड नहीं पैनी सी, फिर भी चलो दिस इज कॉल्ड ए बी ए डैश बी डैश, फिर तो ही जनरल डायग्राम। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, दो ट्राइंगल ले ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। ठीक, हूँ देखो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश हाइट अपॉन हाइट, क्लियर इक्वल्स टू बेस दैट इज ए पी अपॉन ए डैश पी। क्लियर, हूँ देखो ए बी अगेन, फिर तो नोटेशंस पा दो, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मीन्स ए की आ जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, ए की हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव। क्लियर, इस पॉइंट तो लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव यू, इस पॉइंट तो लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दैट इज पॉजिटिव वी। क्लियर, हूँ देखो ए बी की वैल्यू की है, द वैल्यू ऑफ ए बी इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश की वैल्यू की है ए डैश बी डैश दैट इज हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू ए पी की वैल्यू की है ए पी ए पी दैट इज इक्वलेंट टू माइनस यू माइनस यू एंड ए डैश पी दैट इज इक्वल टू वी। फिर तो रीअरेंज कर लेनो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी अपॉन यू विच इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन, मीन्स हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी अपॉन यू। क्लियर है, आइदर अपा केड़ा केस लिए कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉनकेव मिरर, मिरर फॉर्मूला ते लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सेम रहता है। मिरर फॉर्मूला किसी 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। सिमिलरली मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन की गल कर रहे हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन का की फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वी अपॉन यू, वी इज इमेज
डिस्टेंस एंड यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। क्लीयर? हाँ जी, लीनियर मैग्नीफिकेशन हूँ आप करनी है इन टर्म्स ऑफ वी एंड एफ, इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ। पहले आप करते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन, जिन्हों की यदा एक होर नाम है वह भी याद रखना, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। ठीक, हूँ आप करना लीनियर मैग्नीफिकेशन इन केस ऑफ यू एंड एफ। से दूसरा लीनियर मैग्नीफिकेशन इन केस ऑफ वी एंड एफ, दो केसेस करने हैं। ठीक, हूँ सानू जनरल मिरर फॉर्मूला पता है, जनरल मिरर फॉर्मूला किसी 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये किसी का जनरल फॉर्मूला मिरर। हूँ देखो, अगर आप चाहते हैं यू ते एफ दे विच कटना या वी ते एफ दे विच कटना, आप की करांगे इनू इस टर्म नू मल्टीप्लाई कर देंगे, किहदे नाल मल्टीप्लाई करिए कि सिर्फ यू ते एफ दे विच रह जाए। ठीक है, आप इस टर्म नू यू दे नाल या वी दे नाल, ठीक है, किहदे नाल डिवाइड करिए या मल्टीप्लाई करिए, सो दैट साडे कोल इक्वेशन किहदे विच रह जाए, वी या एफ नाल। हुण तुसीं देखो, तुसीं अपने आप गैस लगाओ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनू वी दे नाल करा, वी डिवाइड बाय वी वन, v डिवाइड बाय यू ओ की बन जाएगी मैग्नीफिकेशन, v डिवाइड बाय f ए आ जाएगी v ते f दे विच। ठीक, मतलब कि अगर आप इनू v दे नाल डिवाइड करांगे मैग्नीफिकेशन v ते f दे विच आऊगी, अगर आप u दे नाल मल्टीप्लाई करांगे, हुण देखो u डिवाइड बाय v मैग्नीफिकेशन, u डिवाइड बाय u 1, u डिवाइड बाय f ए इन टर्म्स ऑफ u दे बन जाएगी। मतलब कि अगर तुसी u ते f दे विच कटना है तो तुसी किहदे नाल मल्टीप्लाई करोगे, u दे नाल मल्टीप्लाई above equation by object distance u। हुण u दे नाल कीता आपां, ए की आ गया u upon v plus u upon u is equal to u upon f। clear, इस u नाल ए u कट गया, ए की आ गया u upon v plus 1 is equal to u upon f। clear, u upon v दी वैल्यू कदे इक्वल आ गई u upon f माइनस वन। क्लियर, ए बन जूगी यू माइनस एफ अपॉन एफ वी अपॉन यू अपॉन वी दे। क्लियर, यू अपॉन वी के इक्वल आ रहा है यू माइनस एफ अपॉन एफ। ठीक, हूँ देखो इन थोड़ा जहा होर सिंपलीफाई करो, इन होर सिंपलीफाई करो। ठीक, ये देखो अगर आप इन वी अपॉन यू कर दिए, इन आप अगर वी अपॉन यू कर दिए ते u माइनस एफ की जगह f माइनस u कर दिए, नेगेटिव साइन कॉमन लेके, या इतने माइनस करता है नेगेटिव ना मल्टीप्लाई कर दो, तो एक ही बन जूगी f माइनस u अपॉन f। ते इस टर्म नूं आपां कहते मैग्नीफिकेशन, ये तुहाडी आ गई मैग्नीफिकेशन। देखो स्टेप देखो, u अपॉन v नूं उल्टा करता, v अपॉन u, f नीचे सी इनू उपर कर देना, सॉरी कितना नहीं आपां, ये की आ जाएगा f upon f minus u इस फॉर्म च, मतलब कि वो भी टर्म उल्टा करना है, नीचे f ये ऊपर जाके f हो गया, u माइनस एफ दी जगह क्या हो जाएगा f माइनस u। क्लीयर, हूँ देखो फिर तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू दैट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, अपन नेगेटिव से इना मल्टीप्लाई करता, f नीचे वाला ऊपर चला गया, u माइनस एफ दी जगह क्या हो जाएगा f माइनस u। क्लीयर है टर्म, हूँ देखो तुसी नेक्स्ट इन केस ऑफ v एंड f, इन केस ऑफ वी एंड एफ करना हो फिर किमें करना है, फिर तो ही जनरलाइज फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इतने कि मल्टीप्लाई किया सी आपां, आपां इतने मल्टीप्लाई किया सी u दे नाल, इतने आपां कि मल्टीप्लाई करांगे v दे नाल, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय v। हुण जब आपां v दे नाल मल्टीप्लाई करांगे, एक ही बन जूगा v अपॉन v प्लस v अपॉन यू इज इक्वल टू वी बाय एफ, वी वी कट के ए क्या गया वन प्लस वी अपॉन यू इज इक्वल टू वी बाय एफ। हूँ देखो ए वन उस साइड चला गया, वी अपॉन यू इज इक्वल टू वी अपॉन एफ माइनस वन,
ए की बन गया साढ़े को v माइनस f अपॉन f इज इक्वल टू v बाय u। हुन मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला किसी माइनस v अपॉन u, हुन फिर तो इनू अगर नेगेटिव नाल मल्टीप्लाई करेंगे ए भी टर्म की हो जाएगी रीअरेंज हो जाएगी। हुन देखो अगर आप इनू नेगेटिव नाल मल्टीप्लाई किया साढ़े को आ जाएगा ये देखो v अपॉन u की जगह क्या आ जाएगा माइनस v अपॉन u इक्वल्स टू f माइनस v अपॉन f। क्लियर है, विच इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन, विच इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन। क्लियर है, ये टर्म इजी है। देखो इन केस ऑफ मैग्निफिकेशन, इन केस ऑफ u एंड f फॉर्मूला क्या आएगा f अपॉन f माइनस u, मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ v एंड f फॉर्मूला क्या आएगा f माइनस v अपॉन f। हुन देखो ये प्योरली u ते f दे विच है ते ए भी प्योरली v ते f दे विच है। ये दो केस ही, दैट इज फर्स्ट इज बिटवीन u एंड f, सेकंड इज v एंड f। हुन अपन इधर जनरलिस्ट न्यूमेरिकल्स करने डिस्कस। हाँ जी, हुन कुछ जनरल पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। ठीक है, हुन देखो आप हले तक पढ़े कॉनकेव मिरर ते लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, हुन देखो कॉनकेव मिरर ते लीनियर मैग्नीफिकेशन दे विच देखो मिरर फॉर्मूला जिहड़ा सी इट इज वैलिड फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, दोनों लिए वैलिड है, दोनों लिए सेम है। की सीगा फॉर्मूला 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f। क्लियर, हुन देखो ए फॉर्मूला कॉन्वेक्स ते कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर दे भी दो केस सी। ठीक है, एक सीगा रियल इमेज बनाने वाला, दूसरा सी वर्चुअल वास्ते। मींस ए दोनों केसेस लिए वैलिड है, आइदर द इमेज फॉर्मड इज रियल और वर्चुअल। इमेज जिवें मर्जी दी बने, भावें रियल बने भावें वर्चुअल बने, द फॉर्मूला विल रिमेन सेम, दैट इज 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f। हुन दूसरा देखो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मींस मॉड विच, इफ द वैल्यू ऑफ मॉड विच मतलब पॉजिटिव रहेगी हमेशा इज ग्रेटर देन 1, अगर एदी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है फिर क्या होगा, इमेज इज मैग्नीफाइड, मींस इमेज का साइज बड़ा होगा। ठीक है, वो तो देख के पता चल रहा है कि मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 मतलब कि अगर साइज 10 है 10 तो वड्डा होएगा इमेज का साइज, तो फिर वो इमेज जड़ी है वो मैग्नीफाइड इमेज ही होएगी। ठीक, मीन्स उन्हां दी रेशियो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर उन्हां दी रेशियो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेस देन 1 होवे, ठीक है, मतलब मॉड विच, मॉड विच मीन्स पॉजिटिव विच, द इमेज इज डिमिनिश्ड मीन्स साइज जड़ा होएगा वो की होएगा स्मॉल होएगा। ठीक, उस तो अगला केस इफ मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव, अगर मैग्नीफिकेशन की है पॉजिटिव, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव मतलब क्या है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। हुन मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला की सीगा, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला सी माइनस ऑफ v अपॉन u, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव कर देगी। हुन देखो आप जिन्हें भी केस पढ़े और सारे विच u दी वैल्यू की होती है, द वैल्यू ऑफ u इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, u दी वैल्यू नेगेटिव, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव कद होएगा, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव कद होएगा जब u दी वैल्यू नेगेटिव ते v दी वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर ए नेगेटिव आपस कट होके टोटल टर्म की हो जाएगी, टोटल टर्म इज पॉजिटिव। कॉम्प्लेक्स हो रहा है पर इजी फॉर्म से देखो, अगर u नेगेटिव होएगा, ए नेगेटिव पहली है, ए नेगेटिव इस नेगेटिव ना कट होके पॉजिटिव हो जाएगा, कंडीशन देखो ताहे पॉजिटिव उदो होएगी अगर v पॉजिटिव होएगा। क्लियर, ते उस केस विच जिहड़ी इमेज होएगी इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। लास्ट केस व्हेन मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव का तो होगी फिर तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो गया माइनस v अपॉन u। क्लियर, u क्या होगा, u इज ऑलवेज नेगेटिव। हुन देखो ए नेगेटिव ते नेगेटिव ए आपस कट होएगा, v दी वैल्यू केहो जी होए सो दैट मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होनी चाहिए, v दी वैल्यू भी नेगेटिव होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है, हुन देखो देख के पता चल रहा है कि अगर v भी नेगेटिव u भी नेगेटिव मैग्नीफिकेशन नेगेटिव तो इमेज जी बनेगी वो कि बनेगी रियल एंड इनवर्टेड। तुसी अजी एग्जांपल भी ले सकते हो, फॉर एग्जांपल आप कॉनकेव मिरर ले लिया, ठीक कॉनकेव मिरर। हुन देखो अगर ऑब्जेक्ट कोई भी इस फॉर्म पे है बियॉन्ड सी ते दी इमेज बिटवीन इत्थे बन जांदी है सी एंड एफ। ठीक, हुन देखो कोई भी रे गई पैरेलल किधरों पास करती है फोकस चो दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर चो,
जिस पॉइंट ते मीट करती है उस पॉइंट ते इमेज बनती होती है, मतलब कि रफली रफली इस पॉइंट ते इमेज बन रही है, ठीक है। अगर इस पॉइंट ते इमेज बन रही है दी, अगर इस पॉइंट ते इमेज बन रही है, हुन ए वाला दोनों विचों दी केड़ा केस होएगा, पहले वाला के दूसरे वाला। हुन इस केस विच देखो यू की है नेगेटिव, वी भी की है नेगेटिव, क्लियर। यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, मैग्नीफिकेशन दा फार्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ वी अपॉन यू, ठीक। ए भी नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव वापस कट हो गए, मैग्नीफिकेशन की आ जाएगी नेगेटिव, मैग्नीफिकेशन की आ जाएगी नेगेटिव, तो नेगेटिव का तो होती है रियल एंड इनवर्टेड। ये देखो इनवर्टेड इमेज बन रही है, क्लियर है, एक डी इमेज बन रही है इनवर्टेड इमेज। अगर तुम हाइट की फॉर्म से समझना चाहते हो, एक ही फॉर्म से इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी, अगर इन टर्म्स ऑफ एच ऑफ इमेज टू एच ऑफ ऑब्जेक्ट करना हो फिर दैट इज इन केस ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स रहते हैं। हम देखो हाइट ऑफ इमेज की में बन रही है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बन रही है तो हाइट ऑफ इमेज की होगी नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की में है ऊपर पे है, ये क्या हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव, मैग्निफिकेशन नेगेटिव, क्लियर। तुम जिम्मे मर्जी का केस ले सकते हो, जिहड़ा मर्जी केस लेके तुम ये देख सकते हो। ये पॉइंट्स पर तुम्हें याद रखने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डॉट पॉइंट्स लगा के इन्हों याद कर लो, ठीक है, सो दैट जब न्यूमेरिकल्स करिए तुम ईजी लगन, क्लीयर। हाँ जी, प्लेन मिरर तो स्फेरिकल मिरर आप हम इन न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं। स्फेरिकल मिरर के अगे फरदर दो पार्ट्स ने, कॉनवैक्स मिरर से कॉनकेव मिरर। सब तो पहले अपना प्लेन मिरर के उत्ते थोड़े जे न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल साढ़े कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन आ गया कि कोई भी रे इंसीडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मेक्स एन कोई भी इंसीडेंट रे, ठीक है, एनी इंसीडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ऑफ द मिरर, मिरर दे हॉरिजॉन्टल दे नाल वो 30 डिग्री दे एंगल बना रही है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तुहानू कहता कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कटना है। मैक्सिमम बच्चे की करेंगे, मैक्सिमम बच्चे का आंसर होगा कि अगर इंसीडेंट रे 30 डिग्री बना रही है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 30 डिग्री होगा, जो कि गलत है। हुन देखो ये जिहड़ा एंगल बन रहा है वो किवें बन रहा है, हॉरिजॉन्टल दे नाल बन रहा है, मीनस दिस इज 30 डिग्री, क्लीयर। ये किस नाल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल दे नाल, ये आ गया था नॉर्मल, ठीक। ये टोटल किन्ना होंदा, ये टोटल बनाता है 90 डिग्री, ठीक। ए 90 ए 30 ते एदा मतलब ए वाला एंगल किन्ना होएगा, दिस एंगल इज इक्विवेलेंट टू 60 डिग्री। अगर ए 60 ते ए भी किन्ना होएगा 60, ते एग्जैक्ट आंसर की होएगा 60 डिग्री, क्लियर हो रहा है। ये थोड़ा जिहा मिसकनसेप्शन है जो कि बच्चों में रहता है, जो कि गलत कर देंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दे विच इंसीडेंट रे एंगल बन रहा है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल दे नाल, मीनस ए दे नाल 30 डिग्री बना रहा है, ना कि एदे विच एंगल जिहड़ा बन रहा है, ठीक। तो मैक्सिमम बच्चे का आंसर की आ जाता है 30 डिग्री, जो कि गलत है। इस पॉइंट नूं थोड़ा जिहा दिमाग में रखना। हाँ जी, नैक्सट एग्जाम्पल देखो, साढ़े कोई भी दो मिरर होन, प्लेन मिरर, जो कि पैरेलल ने एक दूसरे से, ठीक है। तुहानू ये क्वेश्चन बन जाए कि इत्थे कोई सेंटर विच कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, मिरर दे सेंटर विच ऑब्जेक्ट है, तुसी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस formed when object is placed between two parallel mirrors। तुहानू इस फॉर्म च क्वेश्चन दिता जाए, ठीक है। इनू करन दा बिल्कुल सिंपल वे की है, देखो एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है जो कि कुछ क्वेश्चंस विच एप्लीकेबल है, पर हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो जरूरी नहीं है, ठीक है। जो कि तुसी लोअर क्लास भी पढ़ते आ रहे हो, फॉर्मूला थीटा का, सॉरी एन का, नंबर ऑफ इमेजेस का, एन इक्वल टू 360 डिवाइड बाय थीटा माइनस वन, ठीक। थीटा होंगे एंगल, की होंगे एंगल, कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। हुण देखो ये दो पैरेलल मिरर है, बिल्कुल सेम साइज के ने, ठीक है,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਡਿਗਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਮੇਜਸ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਮੇਜਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 360 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 0 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ 1 ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 0 ਇਸ ਆਲਵੇਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕਲੀਅਰ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 0 ਇਜ਼ ਆਲਵੇਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮਾਈਨਸ 1 ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮਾਈਨਸ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ इनफाइनाइट और वी कैन से नॉट डिफाइंड मतलब कि दो पैरेलल मिरर पे होन ठीक है दो पैरेलल मिरर उनना दे सेंटर कोई भी ऑब्जेक्ट होए ठीक है ओदिया नंबर ऑफ इमेजेस किनिया हो गया तेरा डायरेक्टली आंसर की लिखना तुसी नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड इज इनफाइनाइट क्लियर नंबर ऑफ इमेजेस किनिया बन गया इनफाइनाइट हुन देखो अगर इस क्वेश्चन नु थोड़ा जा एदे नाल रिलेटेड क्वेश्चन पूछने होन किस फॉर्म च पूछ सकदे गे For example, मैं कहता कि इस question विच तनु इस form पूछ लन कि एक mirror इस form पे है ते दूसरा mirror इस form पे है इधर center ही कोई object है ठीक है इधर center ही कोई object पे है हुन तनु question पूछ लन कि calculate the number of images mirror की में पे है parallel ठीक है मिरर तो पैरेलल ही पे होया बट इस क्वेश्चन दे विच आंसर जेड़ा आएगा वो इनफाइनाइट नहीं आएगा वो क्यों इनफाइनाइट नहीं आएगा क्योंकि पिछले क्वेश्चन विच की सी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल सी मतलब आमने सामने सी ये पैरेलल था पर एक दूसरे से बिल्कुल आमने सामने नहीं है ठीक है ये थोड़ा ऊपर है ये थोड़ा नीचे है मतलब कि इधरों की जितनी भी रेज आनगी वो आपस में टकरान गई एक दूसरे के नाल टकरान गया तो इनफाइनाइट इमेजेस बन गए पर इस केस में कोई भी रे इस मिरर के टकरान तो बाद उस मिरर पे स्ट्राइक नहीं करती वो देखो क्यों नहीं करती फॉर एग्जांपल इधरों की कोई रे निकल रही होगी ठीक ये टकरान तो बाद सीधी जाऊंगी यदि इमेज इस पॉइंट पे बन गई ठीक है कोई भी रे इस मिरर तो टकरान तो बाद इस मिरर पे स्ट्राइक नहीं कर रही अगर इस मिरर पे स्ट्राइक नहीं कर रही तो वो इमेज भी नहीं बना सकती मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर ये इधरों दी 1 सेंटीमीटर पे है तो इधरों दी भी 1 सेंटीमीटर पे है ठीक है तो इधर नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ गई हूं देखो एरिया कितनी नंबर ऑफ इमेजेस हो गई मेन क्वेश्चन ये बन सकता सी अगर दो पैरेलल मिरर ने दोनों सेम हाइट दी जगह इधर एंडिंग पॉइंट ते इधर स्टार्टिंग पॉइंट इस फॉर्म च पे होन फिर एरिया नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन गया उस केस विच इनफाइनाइट नहीं बन गया उस केस विच कितनी बन गया एक तो ए इमेज होगी इमेज 1 दूसरी इमेज देखो एक रे इधरों दी जाऊगी टकराने तो बाद वापस मतलब कि एदी भी इमेज रफली रफली इस पॉइंट पे बनेगी ठीक जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट पे होएगा उतने डिस्टेंस पे इमेज बन दी अगर ये 1 सेंटीमीटर पे है तो इधर भी 1 सेंटीमीटर पे अगर ये 1 सेंटीमीटर पे है इथे भी 1 सेंटीमीटर पे है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਮੇਜਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਮੇਜਸ ਫਾਰਮਡ ਇਸ 2 ਠੀਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 ਅਗਰ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਮੇਜਸ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮ ਚ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਚ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਮਿਰਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਮੇਜਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਮੇਜਸ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਮਿਰਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਮਿਰਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕੀਤੇ ਆ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਰੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮਸ ਦੇ ਕੁਝ ਜਨਰਲ ਅੱਗੇ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੇ ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਤੇ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ